तो हमारा आज का पहला सवाल है, मांस किससे मिलता है? ऑप्शन से है हमारा पहला ए लकड़ी से, ऑप्शन से दूसरा सी लोहा से, ऑप्शन से तीसरा बी पानी से, ऑप्शन से चौथा डी चिकन से। ये आपके पास चारों ऑप्शंस है, आपको बताना है, कमेंट में बताना है, कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, सोच करके बता सकते हो कि आखिर हमें मांस किससे मिलता है। तो चलिए अब हम आपको आंसर बता देते हैं, चिकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांस कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ए एक प्रकार से, ऑप्शन है सी दो प्रकार से, ऑप्शन है बी तीन प्रकार से, ऑप्शन है डी चार प्रकार से। आपको सोच कर बताना है कि हमें मांस कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, सोच कर बता सकते हो। तो चलिए आपको आंसर बता देते हैं, एक प्रकार का, क्योंकि मांस मांस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन है, मांस खाने से कौन सा रोग होता है? पहला है ए कैंसर, दूसरा है सी डायबिटीज, तीसरा है फ्रैक्चर, चौथा है डी अस्थमा। आपको सोच कर बताना है कि ज़्यादा मांस खाने से कौन सा रोग, इसमें से कौन सा रोग होता है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। चलिए आपको आंसर बता देते हैं, हमारा पास जो आंसर है वो है बी फ्रैक्चर्स। ज़्यादा मांस खाने से फ्रैक्चर होता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं जिससे जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे इंसान का मांस क्यों नहीं खाया जाता, ये क्वेश्चन हम गूगल से पूछेंगे, गूगल आपको खुद बताएंगे कि इंसान का मांस क्यों नहीं खाया जाता। पंजाब केसरी के मुताबिक महाभारत में वर्णित है, जो व्यक्ति 100 वर्षों तक लगातार अश्वमेध यज्ञ करता है और जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, उनमें से मांसाहार का त्यागी ही विशेष पुण्यवान माना जाता है। मनुस्मृति में वर्णित है, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या करता है, वो इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता।